আপনি খাবো? হ্যাঁ খাবো, নিয়ে আসো। ভালো আছি। ময়না পক্ষী কে এক জোড়ে নে पैर के शका पर घोंसला बनाया था, जहां माँ पक्षी ने चार अंडे भी दिए हैं। लेकिन अचानक एक दिन एक अजीब काले रंग का एक सांप ने हमला कर दिया उनके घर पर। अजीब काले रंग के सांप ने मैना पक्षियों की अनुपस्थिति में उनके घर के सारे अंडे खा गए। ये देखकर मैना पक्षी बच्चे को कोने के दुख से पागल की तरह हो गए। कुछ दिनों के बाद मैना जुड़े बच्चे को कोने का दुख बुलाकर फिर से एक पैर पर घोंसला बनाया है, जहां उनके तीन चूजों का भी जन्म हुआ था। जिस पैर पर मैना पक्षियों ने घोंसला बनाया था, उस पैर के बगल वाले घर में एक लड़का रहता था, जो पक्षी के घोंसले बनाने से लेकर अंडे देने और चूजों के निकालने तक हर चीज का ख्याल रखता था। इसी बीच उस गाँव में एक पक्षी शिकारी भी रहता था, जो पक्षियों को जाल में फंसा कर या पक्षियों के घोंसले से चूजे को चुरा कर बेच देता है। ऐसे ही एक दिन मैना पक्षी के घर पर उस शैतान शिकारी की नज़र पड़ी। इसके बाद जो लड़का इस मैना पक्षी के घर पर नज़र रख रहा था, उसकी अनुपस्थिति में इस पक्षी शिकारी ने मैना पक्षियों के घर के सामने एक जाल बिछा के रख दिया। कुछ समय बाद माँ पक्षी जब भोजन लेकर लौटती है तो उस जाल में फंस गई। माँ पक्षी को पकड़ने के बाद वो फिर से नर पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। आखिरकार इस तरह पक्षी शिकारी ने मैना पक्षियों के परिवार को पकड़ लिया। पक्षियों को देख रहे लड़के की अनुपस्थिति देखकर दोस्तों शिकारी जल्दी से भाग जाता है और उसे घर के छोटे चूजों को चुराने का अवसर नहीं मिलता। फिर एक से डेढ़ घंटा ऐसे ही बीत जाता है। चूजे भारी भूख से चहचहाने लगे हैं, इसलिए ये लड़का असहाय होकर चूजे को घोंसले से निकालकर अपने घर ले आया। वो भूखे चूजे को घर लाकर उन्हें उसका माता पिता की तरह ही खाना खिलाता है। इस लड़के ने चूजे के लिए एक घर भी बनाया है, लेकिन अचानक एक दिन एक चूजे की मौत हो जाती है। चूजे की मौत से लड़का को बहुत दुख होता है, इसलिए वो बचे हुए चूजों की देखभाल और भी अच्छे से करने लगता है। लड़के की देखभाल और प्यार से छोटे छोटे चूजे अब काफी बड़े हो गए हैं। लड़का अब चूजों को बोलना सिखा रहा है। लेकिन अचानक एक दिन एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक पक्षी पिंजरे के दरवाजा खोला हुआ देखकर भाग निकला। जैसे ही वो पिंजरे से निकालकर पैर की शका पर जाके बैठा, तब एक चील आकर बच्चे पर हमला कर दिया। दोस्त चील ने उसे अपनी तेज पंजों से कस के पकड़ लिया। लाख कोशिश के बावजूद भी उसने चील के पंजों से अपनी रक्षा नहीं कर पाया। कुछ देर तक चटपटाने के बाद एक समय उसकी मौत हो गई। इधर बचा हुआ चूजा एक एक करके अपने दो भाई बहनों को खोकर अकेला हो गया है। चूजों की मौत से लड़के का दिल टूट जाता है, इसलिए वो बचे हुए चूजों को देखकर अन्य चूजों की कोने का दर्द बोलने की कोशिश करता है। इसके साथ अब वो उसको बोलना भी सिखा रहा है। 6 से 7 महीने की लंबी कोशिश के बाद मैना पक्षी कुछ इंसानों की तरह बोलना सीख जाता है। लड़का अब मैना के साथ अच्छा समय बिताता है। अब मैना पक्षी भी लड़का के साथ बिल्कुल ठीक है।